नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये वीडियो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया गया एनडीए सेकंड का सॉल्व पेपर्स, और जिसका एग्ज़ाम हुआ था 10 सितंबर 2017 को। तो इस वीडियो में हमने लिया है पेपर सेट ए, और ये जो पेपर है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए के अंदर इंग्लिश सेक्शन है और पार्ट बी के अंदर जनरल अवेयरनेस और जीके का पोर्शन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहले जो 10 क्वेश्चन है उसमें बताने सिनोनिम्स, जो अंडरलाइन वर्ड है उनके सिनोनिम्स बताने हैं। द डिस्कशन वाज वाउंड अप आफ्टर ए लॉन्ग एंड फ्रूटफुल एक्सचेंज ऑफ व्यूज। तो यहाँ वाउंड अप का मीनिंग होता है टू कंक्लूड करना। सेकंड क्वेश्चन, ही वाज फुल्ली अलाइव टू द नीड फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट। अलाइव टू का मीनिंग होता है अवेयर ऑफ, इसका सिनोनिम हो गया अवेयर ऑफ। द पुलिस ऑफिसर ट्राई टू इंटीमिडेट द विटनेस बट इन वेन। तो इंटीमिडेट का मीनिंग होता है फ्राइटन। वी मस्ट अडॉप्ट ड्रास्टिक मेजर, सीवर मेजर का मीनिंग हो गया टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। ही इज़ एक्सट्रीमली मेटिकुलस इन हिज अप्रोच, इसका मीनिंग हो गया ही इज़ वेरी केयरफुल इन हिज अप्रोच। द एक्सपर्ट्स मिनट एग्जामिनेशन ब्रॉट टू लाइट सम इम्पॉर्टेंट क्लूज। मिनट मतलब होता है डिटेल्ड एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 7, द डिसीजन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू रिपील द अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट हैज़ बीन वेलकम्ड बाय ऑल। रिपील का मीनिंग हो गया टू कैंसिल। दिस इज हिज मैडिन अपेयरेंस ऑन द स्क्रीन। मैडिन मतलब फर्स्ट अपेयरेंस। क्वेश्चन 9, एट द एंड ऑफ द मैराथन एवरीबडी वाज एग्जॉस्टेड। मतलब एग्जॉस्टेड का मीनिंग हो गया यहाँ पे सिनोनिम बताना है इसका टायर्ड। ही गेव मी ए काउंटरफेट कॉइन। काउंटरफेट का होता है फेक, नकली। क्वेश्चन नंबर 11, अब यहाँ से 11 से लेके अपने को 20 क्वेश्चन तक एंटोनिम्स बताने हैं कि इनके कौन से एंटोनिम्स हैं, अपोजिट्स बताने हैं इनमें। माई मदर हैज़ बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 2 वीक्स एंड शी फेल्स रन डाउन। इसका मीनिंग हो गया रन डाउन मतलब कमज़ोर, एनर्जेटिक। Question 12, the president condemned the act of violence during the celebration of the festival. तो इसका अपोजिट हो गया sobriety, जो ऑप्शन डी में गिवन है। The student made a generous contribution to the flood relief fund. निगार्ड, जिसका अर्थ होता है कंजूस। He was just ideal by temperament. तो he ideal by temperament, तो इसका अपोजिट होगा इंडस्ट्रियस। मोस्ट ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द ऑफिसर वर अनजस्ट, तो इसका अपोजिट हो गया करेक्ट। क्वेश्चन 16, ही इज लविंग लेदर एंड टेकिंग ग्रेट डिलाइट इन मिस चिल्ड्रंस। तो इन डिस्गस्ट हो गया, डिलाइट का अपोजिट डिस्गस्ट। 17, ही वॉज क्वाइट कंसर्न अबाउट हिज सन्स कैरियर। ही वॉज indifferent, अपोजिट हो गया दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ द सक्सेस, दे आर डेफिडेंट। वी कैरिड ऑन द सर्च फॉर द मिसिंग पर्सन, तो कॉल्ड ऑफ हमने बंद कर दिया। कैरिड ऑन मतलब जारी रखा, कॉल्ड ऑफ बंद कर दिया। दिस टीवी हैज़ मैनी इंडिजियस कंपोनेंट का मीनिंग हो गया अपोजिट बताना है, फॉरेन हो गया इसका अपोजिट। फिर इसमें पैराग्राफ है, जैसे कि कोई एग्जांपल दे रखा है कि यहाँ पे अगर वाज इन द स्कूल, स्कूल में कौन कौन है, अगर ऐसे ऑप्शन दिए होंगे बॉय, हॉर्स, डॉग और काऊ। तो बॉय स्कूल जाता है, इसलिए ए इसमें करेक्ट आंसर हो गया। इसलिए क्वेश्चन यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट है। आफ्टर दिस इंसिडेंट आई वेंट टू नैनीताल एंड रिटर्न आफ्टर nearly a month. I had barely, यहाँ पे barely सही ऑप्शन है, taken off my clothes when I saw Gangu standing with a new baby. He was jumping with joy. Even Nanda would not have felt such joy at getting Krishna, his face had the same glow that appears on the face of a starving man after a full meal. तो ये उसके सही ऑप्शन थे इस पैराग्राफ में। फिर पैराजम्बल्स दिए हुए हैं, इनको अरेंज करने हैं। द स्पिरिट ऑफ ए मैन, तो इसमें जो करेक्ट सीक्वेंस आनी है वो होगी SQPR। द स्पिरिट ऑफ ए मैन हैज़ फेस्ड ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर्स एंड हिज ग्रोइंग इंटेलिजेंस हैज़ स्लोली एंड पेनफुली सरमाउंटेड all the obstacles that have come in his way। तो यहाँ पे B जो कोड है वो उसका सही आंसर है। After our school boy had won a well contested hockey match, they came to school in high speed so that they might communicate the news of their victory to the headmaster, who is keen sportsman and take a very lively interest इन स्कूल गेम्स। तो यहाँ पे जो कोड सीक्वेंस बनी RPQS। तो C यहाँ पे जो C में जो कोड गिवन है वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 का, इवन ए लग्जरी गेम्स लाइक क्रिकेट, यहाँ पे भी C ऑप्शन जो सही बैठ रहा है वो है कि कैन कॉज मच इल विल एज वी सॉ इन द कंट्रोवर्सी ओवर बॉडी लाइन बॉलिंग and over the rough tactics of the Australian team that visited England in 1921, demanding grace rather than strength। तो यहाँ पे भी C ऑप्शन होगा। Scientists points that it is aftermath that has now reached its peak of sun sports activity of the 11-year cycle। तो यहाँ पे बी C कोड है वैसे ही होगा। 35 एट द शिप स्ट्रीम फ्रॉम द सैन डिएगो, इसमें भी जो कोड बन रहा है ये C जो ऑप्शन कोड है वो एकदम सही कोड है। क्वेश्चन 36, इसमें एरर फाइंड करनी है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीट पाथ ट्रेवर्स बाय इलेक्ट्रिकल, इस C वाले पोर्शन के अंदर एरर है। 37 ही वेव्ड अस ए बाय बाय, ये पहले वाले में ही एरर है इसमें। 37 क्वेश्चन में, he waved us by as he boarded the train which disappeared into the tunnel। 38 there was a great deal that had to be scrapped that must be scrapped। तो यहाँ पे 38 but surely India could not have been what she undoubtedly was and what could not have continued a कल्चर्ड एग्जिस्टेंस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो इस सेंटेंस में 38 वाले जो सेंटेंस है कोई एरर नहीं है, नो एरर इन दिस सेंटेंस। 39 विद रिगार्ड्स टू इंटीरियर डेकोरेशन इट इज द अटेंशन गिवन टू द लेस ओवर इट एक्सेप्ट ऑफ यूजिंग स्पेस दैट गिव्स इट लाइफ एंड एन आइडेंटिटी एंड क्वान्टिटी। तो यहाँ आर्टिकल लगाना भूल गया एक में लाइफ से पहले, तो यहाँ बी वाले में पोर्शन में एरर है। क्वेश्चन 40 ए स्मॉल पार्सल ऑफ नोवेल इज बेटर देन नन। तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में भी कोई एरर नहीं है, इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। क्वेश्चन है ही लुक्स एज इफ ही इज, यहाँ पे सही आंसर हो गया। माय हाउस इज इंश्योर्ड अगेंस्ट द थेफ्ट एंड फायर, द रिजल्ट ऑफ द प्रोलॉन्ग डिस्कशन वाज डिसअपॉइंटिंग। बी आंसर इसमें। You are luckily to have been born in 20th century। Sita is true to her words। Years have passed since I saw her last। यहाँ पे A जो कोड है A में A ऑप्शन सही है। 47 When he heard the terrible noise, he asked me what was गोइंग ऑन। तो डी यहाँ पे सही ऑप्शन है। कुड यू लेंड मी सम मनी, आई एम वेरी शॉर्ट ऑफ कैश एट द मोमेंट। I saw her when she was standing the side of the old statue. I saw her when she was standing at the, यहाँ पे fill the blanks है, at the side of the old statue, यहाँ पे blank है. True friend never desert their loved ones in adversity, जब जरूरत होती है. तो यहाँ पे ये तो बी पोर्शन स्टार्ट करते हैं जिसमें जीके का पोर्शन है. क्वेश्चन नंबर 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज सेट एज ए टारगेट ऑफ एवरेज ग्रोथ ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया ओवर द प्लान पीरियड, ओवर द प्लान पीरियड फ्रॉम 2012 टू 2017 बाय द अप्रोच पेपर टू द 12th 5-year प्लान. तो उस टाइम टारगेट की थी 9% जीडीपी की ग्रोथ. विच वन ऑफ द 52nd, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट दैट हैज़ बीन डेवलप्ड टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूट बाय द सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. पंचायती राज इंस्टीट्यूट का इनमें से कौन सा सब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट नहीं है. हायर एजुकेशन इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज, ये स्टेट का सब्जेक्ट है और सेंट्रल का सब्जेक्ट, दोनों के ही है. Question number 53rd. Who among the following used the term Industrial Revolution for the first time in English to describe the change that occurred in the British industrial development between 1760 and 1820? पहली बार किसने Industrial Revolution term का use किया था? तो वो थे Arnold Toynbee. Question 54. Who among the following is the author of the book द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1934? ये बुक लिखी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने. क्वेश्चन 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द स्वदेशी कैंपेन इन 1896 इज नॉट करेक्ट? तो इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, वो है ये नहीं है, इट अपोज द लेवाई ऑफ ट्रैफिक ऑन इम्पोर्ट्स. क्वेश्चन 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएट्स वाज फाउंडेड इन लंडन बाय दादा भाई नौरोजी इन 1866? दादा भाई नौरोजी ने जो एसोसिएशन को फाउंड किया था वो द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन. क्वेश्चन 57, मरीन ट्रेंच इज लोकेटेड इन ओशन फ्लोर ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन. तो ये सबसे डीपेस्ट जो क्या बोलेंगे डीपेस्ट होल है, डीपेस्ट सरफेस ओशन अर्थ के ऊपर. टकला मकान डेजर्ट इज सिचुएटेड इन, तो टकला मकान सिचुएटेड है सेंट्रल एशिया के अंदर. रुद्रप्रयाग इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड मंदाकिनी. अरेंज करने, अरेंज द फॉलोइंग इंडियन सिटीज अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो सबसे वेस्ट में जोधपुर, फिर भोपाल, फिर बिलासपुर, देन रांची. तो यहाँ पे बी जो कोड है इसका सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 61, द कश्मीर रीजन रिसीव एडिशनल अमाउंट ऑफ डिसेप्शन ड्यूरिंग द विंटर ब्रॉट बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. क्वेश्चन 62, विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज द कालाकोट टेरिटरी कोल्ड फील्ड? तो ये जो काला टेरिटरी कोल्ड फील्ड ये मिलती है हिमालय माउंटेन रीजन के अंदर. Question 63, tendon through which muscles are connected to bones are tightly compacted bundles of which one of the following long fibrous protein? तो ये जो connected होती है collagen form करती है, ये एक प्रकार के प्रोटीन होती है, प्रोटीन होते हैं. tendon connect करते हैं जैसे दो bones को, muscle होती है जो bone को, दो bones को connect करती है. Question number 64, which one of the following is the scientific name of casual organism of elephantiasis? तो क्यूलेक्स पिपिens, नहीं सॉरी, ये इसका जो सही आंसर होगा विचवेरिया बैंक्रोफ्टी, सी ऑप्शन है ये. क्वेश्चन 65, melanin is the natural pigment that gives color to human skin, hair and iris. It provides protection against ultraviolet radiations. Question 66, intake of which one of the following food component should be minimized by patients having gouty arthritis due to elevated serum uric acid level. तो उसको कम करना चाहिए, वो है किसका इंटेक, न्यूक्लिक एसिड का इंटेक कम करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रोब्स इज नॉट करेक्ट. माइक्रोब्स के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है. गलत कथन वो है कि नो एंटीबायोटिक हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम एनी माइक्रोब में पाए जाते हैं. बाकी तीनों कथन है दे आर यूज्ड इन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, बिल्कुल यूज होते हैं. दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस और दे आर यूज्ड टू गेट मैनी बायो एक्टिव मोलिक्यूल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. ये तीनों स्टेटमेंट माइक्रोब्स के बारे में करेक्ट हैं. क्वेश्चन 68, गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट वेयर द इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मेड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ, दे आर मेड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ विटामिन ए. तो विटामिन ए की मात्रा बढ़ गई है उसमें. क्वेश्चन नंबर 69, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद ए कांस्टेंट स्पीड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट में से करेक्ट है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर फॉर जेंटल कर्व इज दैट कर्व ऑफ लार्जर रेडियस जेंटल कर्व देन द फॉर ए शार्प कर्व. तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा स्मॉलर होगा जो कर्व ऑफ द लार्जर रेडियस से शार्प कर्व का. क्वेश्चन नंबर 70, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ ए मास m, मास दे रखा है m, मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस गिवन बाई इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. तो ये गिवन होगी ऑप्शन बी से. द सिंबल ऑफ एसआई यूनिट ऑफ इंडक्शन इज एच, इट स्टैंड फॉर. तो एसआई यूनिट ऑफ इंडक्शन होती है हेनरी, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल एच से. क्वेश्चन नंबर 72, इन वैक्यूम ए 5 रुपी कॉइन, ए फेदर ऑफ स्पैरो बर्ड एंड ए मैंगो आर ड्रॉप्ड सिमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट. टाइम टेकन बाय देम टू रीच द बॉटम इज t1, t2, t3. इन दिस सिचुएशन वी ऑब्जर्व वो तीनों के तीनों 5, क्योंकि ये वैक्यूम में गिराए जा रहे हैं, तो 5 रुपये का सिक्का, पंख और ये आम तीनों ग्राउंड के ऊपर एक ही समय पे रीच करेंगे. क्वेश्चन नंबर 73, इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस बाय एप्लीकेशन ऑफ लाइट इज नॉन एज. इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिकल एमिशन. क्वेश्चन 74, हाउ लॉन्ग डज लाइट टेक्स टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन. लगभग 8 मिनट का समय लेती है. क्वेश्चन 75, रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय जीएम काउंटर से अपन इसको मेजर करते हैं. जीएम काउंटर का मीनिंग होता है गिंगर काउंटर बोलते हैं इसको. क्वेश्चन 76, द मिरर यूज है रियर व्यू, पीछे देखने के लिए इन व्हीकल आर. तो कौन सा मिरर होता है, तो वो मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर, पीछे देखने के लिए गाड़ी चलाते वक्त पीछे का दृश्य देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव इज यूज फॉर डिटेक्टिंग फॉर्जरी इन करेंसी नोट. तो जाली नोट को जांचने के लिए अल्ट्रावायलेट वेव्स का यूज किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 78, द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर होल्स होते हैं, क्योंकि पी टाइप में जो पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर्स वो चार्ज कैरियर होते हैं, तो उनको होल्स बोलते हैं. द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बम इन द ग्राउंड स्टेट. तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, वो होती है 13 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की. क्वेश्चन नंबर 80, व्हेन प्योर वाटर बॉइल्स विग्रेसली द बबल दैट राइज टू द सरफेस आर कंपोज प्राइमरली ऑफ. तो वो बबल्स होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के. क्वेश्चन नंबर 81, विच कंपोनेंट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर्म ए बेसिक सॉल्यूशन. तो वो है NaOH. द प्रिंसिपल यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज. हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का प्रिंसिपल यूज होता है इन ईचिंग ग्लासेस. क्वेश्चन नंबर 83, the species that has the same number of electron as 3216SC is, तो वो है ये C ऑप्शन में गिवन आर्गन वाला। क्वेश्चन नंबर 84, द कंपाउंड CgH12O4 contains thrice the mass of hydrogen as compared to the mass percentage of oxygen। तो यहाँ पे C ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 85, द प्रपोजिशन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज एवोगेद्रो हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अल्बर्ट बिल इज करेक्ट। तो अल्बर्ट बिल के बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वह ये था कि जो हिंदुस्तानी जज थे या वो अपराधी मुकदमा लड़ सकते थे अंग्रेजों, उनके ऊपर जो जज था वो उनको सज़ा दे सकता था। इट प्रपोज द इंडियन मजिस्ट्रेट वुड ट्राई यूरोपियंस इन क्रिमिनल केसेस। तो ए यहाँ पे सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 87, हु अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड द मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट वाइल नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस। वो होता है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कि किसी भी हाउस को मीटिंग को अटेंड कर सकता है लेकिन वो मेंबर नहीं होता है, ना ही राज्यसभा का ना लोकसभा का। क्वेश्चन नंबर 88, who among the following was believed to be leader of सन्यासी and फकीर conspiring against the British in 1857। तो मंगल पांडे को माना जाता है उनका लीडर सन्यासी और फकीर्स का। क्वेश्चन नंबर 89, who among the following was the founder of अवध किंगडम in 18th century। तो वो जो फाउंडर थे वो सादत खान को कहा जाता है द फाउंडर ऑफ अवध किंगडम। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट के फाउंडर हैं हेनरी विवियन डिरोजी। क्वेश्चन नंबर 91, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, वो स्टेटमेंट अपने को छांटना है। इट ब्रोक आउट इन अगस्त 1942 बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल वेंट ऑन स्ट्राइक फॉर मोर देन 3 months बिल्कुल सही। अहमदाबाद मिल जो हड़ताल थी 3 महीने से ज़्यादा तक चली थी। मुस्लिम लीग है हिंदू महासभा एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट नहीं, क्विट इंडिया मूवमेंट में ये इन्होंने एक्टिवली पार्ट नहीं लिया था। कम्युनिस्ट पार्टी डिड नॉट सपोर्ट द मूवमेंट बिल्कुल सही है ये। तो यहाँ पे सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, इसलिए यही इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 92, Who among the following is the winner of the Singapore Open Super Series Badminton Men's Single Title 2017। तो उसके जो विनर थे बी साई प्रणीत। क्वेश्चन नंबर 93, करदोय थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन, ये लोकेटेड है नागपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 94, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट वर्ल्ड हेरिटेज डे 2017। तो इसकी थीम थी द कल्चरल हेरिटेज एंड सस्टेनेबल टूरिज्म। क्वेश्चन नंबर 95, इन अप्रैल 2017 US ड्रॉप मॉब मासिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट पॉपुलरली नोन एज मदर ऑफ ऑल बम्स इन द सस्पेक्टेड हाइड आउट ऑफ मिलिटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो मदर ऑफ ऑल बम गिराया था अभी अप्रैल के अंदर 2017 ने अमेरिका के अंदर अफगानिस्तान के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 96, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी कमेटी कंस्टिट्यूटेड रिसेंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एग्जामिन फ्रेमवर्क फॉर वर्चुअल करेंसीज। तो उसके जो चेयरमैन थे स्पेशल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये नियुक्त किए गए थे एज ए चेयरमैन फॉर जो कमेटी थी जो फ्रेमवर्क डिजाइन करी थी फॉर वर्चुअल करेंसी। संपदा स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, तो संपदा स्कीम में ये लॉन्च की गई है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 98, द शॉर्टेस्ट डे लेंथ दैट अकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज ऑन, वो होता है 22 दिसंबर को, सबसे छोटा दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 99, द इंडियन रेलवे हैज़ गॉन इन फॉर ए क्वान्टिटी इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन टेकन प्लेस इन रिसेंट ईयर्स। तो इनके अंदर दो ही मेजर लिए गए हैं, एक तो ये गोज कन्वर्जन और ट्रैफिक इलेक्ट्रिफिकेशन, तो यहाँ पे ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, इन इंडिया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज रिजर्व फ्रॉम, सॉरी, इन इंडिया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज रिसीव्ड फ्रॉम, ये जो रिसीव्ड होता है साउथ वेस्टर्न मानसून से। क्वेश्चन नंबर 101, विच सेट ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज इंक्लूडेड इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ऑफ हो गई बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें है ये ए ऑप्शन में जो गिवन है, गल्फ ऑफ मन्नार, नोकरेक, पंचमरिया और सिम्फलीपन, ये जो ए ऑप्शंस में बायोस्फीयर रिजर्व के नाम है वो इंक्लूडेड हैं। क्वेश्चन 102, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक और ऑफ आयरन इज करेक्ट। इट इज नॉन एज ब्लैक और, बिल्कुल सही है ये करेक्ट। इट कंटेन 60 to 70% ऑफ प्योर आयरन। हाँ ये लगता है सही है, सही हो भी सकता है, तो प्लीज़ इसको चेक कर लेना इस क्वेश्चन को। इट पजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यस, क्योंकि आयरन हो रहा है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पजेस कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 1 and 3। तो सेकंड स्टेटमेंट का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ सर्च इट, गूगल इट कर लेना इसको। 103, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैज़ अ रोल इन ब्लड कोटिंग, के अंदर जो हेल्पफुल होता है वो होता है विटामिन के, तो 103 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 104, द टर्म प्रोबायोटिक इज अप्लाइड फॉर, प्रोबायोटिक अप्लाइड होता है लिविंग माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स कॉज एसिडिफिकेशन ऑफ कर्डिंग ऑफ मिल्क, वो होता है लैक्टिक एसिड बैसिलिस की वजह से। क्वेश्चन 106, हु अमंग द फॉलोइंग शेयर द नोबेल प्राइज इन 1962 अलोंग द फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वर्टसन फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो ये मिला था मॉरिस ह्यूज एंड फ्रेडरिक विल्किंस को, भी यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन 107, वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर at higher altitude because the air pressure is less, तो air pressure less की वजह से वो जल्दी लोअर टेम्परेचर पे वो बॉयल हो जाता है। क्वेश्चन 108, कॉनकेव मिरर यूज इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल बिकॉज इट सेंड्स पैरेलल रेज। क्वेश्चन 109, if some object is weighted when submerged in water, what will happen to its weight compared to its weight in air? तो अगर किसी वस्तु को डुबोगे, सबमर्ज करोगे, तो उसका वेट डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन 110, लाइट ईयर इज मेजर ऑफ, ये लाइट ईयर मेजरमेंट है, डिस्टेंस का मेजरमेंट है, एक लाइट ईयर होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन ईयर। क्वेश्चन 1011, 111वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इज करेक्ट, तो कि सैटेलाइट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एनर्जी फॉर ऑर्बिटिंग। क्वेश्चन 1012, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी इज करेक्ट, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्वेश्चन 113, स्टेप अप ट्रांसफार्मर आर यूज फॉर इंक्रीजिंग वोल्टेज। Question 1114, which one among the following waves carry the maximum energy per photon, सबसे ज़्यादा किस वेव के अंदर होती है एनर्जी पर फोटोन, वो एक्सरेज में। क्वेश्चन 115, हाउ मच CO2 इज प्रोड्यूस ऑन हीटिंग ऑफ 1 kg ऑफ कार्बन, तो ये 11/3 kg ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो जाती है। क्वेश्चन 116, जिंक इज यूज टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम कोरोजन बिकॉज जिंक इज ए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन, इसकी वजह से। क्वेश्चन 117, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्लेस सेकेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एब्यूडेंस इन द अर्थ एटमोसफेयर, तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है सबसे ज़्यादा एटमोसफेयर के अंदर, वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल चेंज, ग्रेइंग ऑफ हेयर नेचुरली एक प्रकार का केमिकल चेंज है। क्वेश्चन 1119, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज फॉर वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा के लिए केमिकल जो नाम है वह है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन 120, वाई इज पोटेशियम परमैंगनेट यूज फॉर प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर। क्यों यूज होता है? क्योंकि इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 121, कंसीडर द फॉलोइंग मोमेंट और इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। तो सबसे पहले मोमेंट हुआ चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद मॉल्फन रिबेलियन, बरदोली सत्याग्रह और साल्ट सत्याग्रह। यदि अपने कोई तीन मेन इवेंट के भी याद होते, चंपारण सबसे पहले हुआ गांधी जी के वापस भारत साउथ अफ्रीका के, उसके बाद बरदोली सत्याग्रह जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई, फिर साल्ट सत्याग्रह हुआ। तो अगर ये 3, 2, 4 का भी एक सीक्वेंस याद था तो अपन कर सकते थे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 122, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलॉग्स हैज़ गिवन एन इंसाइट ऑन द रिज़ाइन ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक में जो आया था वो था इबन बतूता रिहा। क्वेश्चन नंबर 123, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए चिश्ती सूफी संत। चिश्ती सूफी संत कौन से नहीं थे? इनमें से वो नहीं थे शेख बहाउद्दीन जकरिया। क्वेश्चन 124, इन अप्रैल 2017 इंडिया सेलिब्रेटेड 100 ईयर ऑफ महात्मा गांधी। तो 100 साल बनाए जा रहे हैं, तो वो है सत्याग्रह इन चंपारण सत्याग्रह की वजह से। क्वेश्चन नंबर 125, ए रेनबो इज प्रोड्यूस ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। तो ये होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से रेनबो प्रोड्यूस होता है। बैट डिटेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन इन देयर पाथ बाय रिसीविंग द रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से। द स्टेटमेंट दैट हीट कैन नॉट फ्लो बाई इटसेल्फ फ्रॉम ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। क्वेश्चन नंबर 128, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव डू नॉट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ अदर थ्री। एक्सरे दे रखा है, माइक्रोवेव्स दे रखा है और रेडियो वेव्स दे रखा है। तो यहाँ पे साउंड वेव डिफरेंट हो गया। एक्सरे, माइक्रोवेव और रेडियो वेव उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा है। साउंड वेव को ह्यूमन हर्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है? ये ह्यूमन आई इज ए रिफ्रैक्टिंग सिस्टम कंटेनिंग ए डाइवर्जिंग लेंस। रिफ्रैक्टिंग सिस्टम नहीं है ये। तो यहाँ पे ये जो ए स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। बाकी तीनों स्टेटमेंट द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई कंटेन मिलियन ऑफ लाइट सेंसिंग बिल्कुल सही है। कॉल्ड रोड एंड कोन्स विच कन्वर्ट द लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल मैसेज। एवरी इमेज दैट इज फोकस्ड ऑन द रेटिना इज अपसाइड डाउन होती है। और वी नीड बोथ आईज टू जस्ट द रिलेटिव पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली। बिल्कुल बोथ आई देख, मतलब दोनों आँखों से अपने को पता लगा सकते हैं एकदम पूरी सही रिलेटिव पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की। क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में, तो ये अल्ट्रासोनिक वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये गलत है। अल्ट्रासोनिक वेव कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम और बाकी अल्ट्रासोनिक वेव कैन नॉट गेट रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड और एब्जॉर्ब जब नहीं हो सकती। अल्ट्रासोनिक वेव आर यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स लाइक क्रैक, पोरोसिटी इट इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन स्ट्रक्चर मटीरियल। ये भी करेक्ट है। और अल्ट्रासोनिक कैन बी यूज फॉर मेकिंग होल्स इन वेरी हार्ड मटीरियल लाइक डायमंड। ये सारी यूजेज हैं। जो लास्ट स्टेटमेंट है वो गलत दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिशन इंडेक्स TTCI 2017 रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, among the 136 economics across the world इंडिया की जो रैंकिंग है इसके अंदर 40th रैंकिंग है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिशन इंडेक्स में। क्वेश्चन नंबर 132, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2017 की थीम पूछिए, सेलिब्रेटेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी थीम थी डिप्रेशन लेट्स टॉक। क्वेश्चन नंबर 133, which one of the following ministries has launched a new program or interdisciplinary cyber physical system ICPS to foster and promote research and development। तो ये जो मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री का नाम बताना है, वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी। क्वेश्चन नंबर 134 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। दिस स्टाइल ऑफ टेम्पल्स आर कॉमनली फाउंड इन एरियाज बिटवीन हिमालय एंड विंध्याज। हाँ बिल्कुल सही है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस स्टाइल ऑफ इज इट्स पैरामिडल शिखर। हाँ बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट नागर स्टाइल ऑफ टेम्परेचर के बारे में सही है। क्वेश्चन नंबर 135 अशोका's कनेक्टिंग विद बुद्धिज़्म इज इवेंट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो इसके बारे में अपने को तथ्य मिलते हो मेजर रॉक एडिक 13 के अंदर है। कैबिनेट मिशन प्लान फॉर इंडिया एनविजन ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 137 क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन और लोकपाल वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कमीशन। डी यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का कॉज है सल्फर डाइऑक्साइड। 139 डिजायरेबल रेंज ऑफ पीएच फॉर ड्रिंकिंग वाटर के लिए डिजायरेबल रेंज 6.5 से लेकर 7 तक है। क्वेश्चन नंबर 140 CH4+2O2 से कार्बन डाइऑक्साइड 2H2 ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये इसके अंदर कार्बन जो हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पे A इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 141 सनराइज इन ईस्टर्न हिमाचल प्रदेश वुड बी अबाउट हाउ मैनी आवर्स बिफोर द सनराइज इन वेस्टर्न गुजरात। तो इनके जो सनराइज का टाइम डिफरेंस है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के अंदर वो है 2 घंटे का। क्वेश्चन नंबर 144 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन रिलेशन विद टोटल एरिया ऑफ द स्टेट। तो इनमें से बताना है कि सबसे ज़्यादा विच वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा मतलब फॉरेस्ट कवर एरिया कहाँ पे होगा फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर एरिया होता है वो कर्नाटका में, फिर मिलेगा उड़ीसा में, फिर आंध्र प्रदेश के अंदर, फिर आंध्र प्रदेश और केरल सबसे इनमें से छोटा है फॉरेस्ट कवर में। ए यहाँ पे जो कोड है वो सही है। 143 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ये ऑप्शन है, अगर पूरे इंडिया में पूछे तो वो था गुजरात, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो इनमें से जो सबसे जो लॉन्गेस्ट जो कोस्ट लाइन है वो है कर्नाटका की। क्वेश्चन नंबर 144 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर इनमें से छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 145 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इग्नियस रॉक। तो डोलोमाइट नहीं है इग्नियस रॉक, बाकी गैब्रो ग्रेनाइट बेसाल्ट ये सारी इग्नियस रॉक है। जो डोलोमाइट होती है वो एक कॉमन रॉक मिनरल रॉक है जो एक प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक होती है। इसके जो केमिकल फॉर्म होता है CAMgCO3 ट्वाइस होता है, या कह दो नेम होता है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट बोलते हैं। और इसका जो मेटाफॉर्मिक स्ट्रक्चर होता है उसको अपन मार्बल बोलते हैं, सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर को अपन डोलोमाइट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 कोरोलिसिस इफेक्ट इज द रिजल्ट ऑफ। ये कोरोलिसिस इफेक्ट किसका रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट है ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। वेयर इज मेकोंग डेल्टा लोकेटेड, ये वियतनाम के अंदर है। 147 का डी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरी आर नॉट करेक्टली मैच। करेक्ट उनकी ट्रिब्यूटरी, गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती, गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है पैन गंगा, और कृष्णा की एक ट्रिब्यूटरी है भीम। लूनी नदी जो राजस्थान से बहती है खारे पानी की नदी है, इसकी कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो है सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 149 की कंसीडर करना है, कंसीडर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन की कुछ कंडीशंस दे रखी है। कहता है कि वार्म सी टेम्परेचर ऑफ ग्रेटर देन 26 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एट हाइट ऑफ 700 मीटर, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी है। तो ये मतलब किस स्टेज साइक्लोन किस स्टेज में है। The above mentioned criteria associated which of the following cycle of its development। तो ये initially या formation and initial stage है साइक्लोन की। Question number 150. In the Mesopotamian record, which of the following term are used for Indus Valley हड़प्पा? तो ये term use किए मुला 150 का जो B जो code है वह जो सही आंसर है। तो ये सारे क्वेश्चन थे यूपीएससी एनडीए सेकंड जो कंडक्ट हुआ था 10 सितंबर 2017 को। Please, if you like this video, do share with your friends and do subscribe to this channel. Thank you very much.